गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नो रिव्यू में आज बात करने वाले अपकमिंग मूवी प्रेम गीत 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3 के बारे में। इस फिल्म का टीजर काफी शानदार है। इस फिल्म में मशहूर अभिनेता प्रदीप खेड़कर नजर आने वाले। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और जो भी दोस्त इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रेम गीत पहली भारतीय नेपाली फिल्म है। इस फिल्म का टीजर काफी शानदार है। फिल्म में नेपाल के मशहूर अभिनेता प्रदीप खेड़कर नजर आ रहे हैं। टीजर के साथ फिल्म के रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। फिल्म का ट्रेलर 18 अगस्त को रिलीज किया गया था। ये पहला मौका है जब कोई नेपाली फिल्म भारत में रिलीज होगी। इस फिल्म के टीजर को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया कि ये फिल्म सिनेमाघरों में 23 सितंबर को रिलीज होगी। प्रेम गीत नेपाल की पॉपुलर फ्रेंचाइजी फिल्म है। भारत में इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट प्रेम गीत 3 रिलीज होगी। इससे पहले प्रेम गीत और प्रेम गीत 2 रिलीज हो चुकी है। इन सभी फिल्मों में प्रदीप खेड़कर ने मुख्य रोल निभाया है। प्रेम गीत 3 एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। इसका बजट पिछली 2 फिल्मों से ज्यादा रखा गया है। फिल्म को लेकर पूरी टीम काफी एक्साइटेड है। प्रेम गीत 1 और प्रेम गीत 2 को बनाने में फिल्म मेकर्स ने 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए तथा इनसे 8-8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब इसी के पार्ट 3 को लेकर आए हैं और इसमें उन्होंने 3-4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तथा इस फिल्म से उन्होंने उम्मीद रखी है कि ये हाई मेगा बजट की फिल्म साबित होगी। फिल्म के मुख्य अभिनेता प्रदीप खेड़कर ने कहा कि मैं इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये फिल्म हिंदी सिनेमा में अच्छा कलेक्शन करेगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, मेरे लिए ये नए जन्म जैसा है। मुझे इस फिल्म से एक नई पहचान मिलेगी। पहली बार भारत में नेपाली फिल्म का प्रतिनिधित्व हो रहा है, जिसका हिस्सा बनकर मैं बेहद खुश हूँ। फिल्म की लीड एक्ट्रेस कैटरीना गुरुंग ने बताया कि ये उनकी डेब्यू फिल्म है। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ। इस फिल्म में अंकित तिवारी, राहत फतेह, पलक मुच्छल जैसे कलाकारों ने गाना गाया है। फिल्म के प्रोड्यूसर सुभाष काली का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय सिनेमा के दर्शक हमारी फिल्म खूब पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।